हेलो दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं विश्व की ऐसी समस्या जिससे पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई, सबसे पहले हम समझते हैं। कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर से हुई है, जहां बेट मार्केट है। बेट मार्केट उस मार्केट को बोला जाता है जहां पर मीट मिलता है, मछली मिलता है और जिंदा जानवरों को काट के खाया जाता है। जहां तक माना जाता है कि यह जो बीमारी का उत्पत्ति हुआ है वो जानवरों के थ्रू हुआ है, जो स्नैक्स के थ्रू हुआ है और चमगादड़ के थ्रू हुआ है। अब इसकी उत्पत्ति हमको पता चल गया कोरोना वायरस क्या है। अब इस कोरोना वायरस जानवरों के थ्रू फैलने वाला बीमारी है जो मनुष्य के अंदर आकर मनुष्य को बीमार कर देता है। कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस मतलब कि आपके बॉडी के अंदर वो जाता है और अपने सेल को तोड़ता है और एक नया सेल क्रिएट करता है और आपके बॉडी में पूरा फैल जाता है। एक शोध के अनुसार पता चला है कि जो कोरोना वायरस का साइज है, आपके हेयर के साइज का 900 times टीनी है, छोटा है, और आपके बॉडी के अंदर जाता है और पूरा वो एक्सपेंड कर जाता है। ये कोरोना वायरस अभी क्लियर हो जाता है कि अब जानवरों को थ्रू ये आया है और हमारे बॉडी को अफेक्टेड कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे पैंडेमिक घोषित कर दिया, मींस इसे महामारी के श्रेणी में डाल दिया। उस पैंडेमिक तभी हम उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसे क्राइटेरिया देती है कि जब उसके बारे में साइंस को पता नहीं होता है, अनुमान नहीं लगाया जाता है और बीमारी एकाएक फैल जाता है, आ जाता है और पूरे विश्व में वो फैल जाता है, उसे पैंडेमिक की श्रेणी में डाल दिया जाता है, महामारी की श्रेणी में डाला जाता है। क्योंकि इसके पहले भी स्वाइन फ्लू आए थे जिसमें चिकन की मुर्गी के थ्रू फैला था, लेकिन वो विश्वव्यापी समस्या नहीं था, एक क्षेत्रीय समस्या था, इसलिए उसे पैंडेमिक में नहीं घोषित किया। लेकिन कोरोना वायरस ने अभी तक 135 देशों में ये फैल चुका है, जिसमें 1,70,000 लोग अफेक्टेड हैं और 5,000 से ऊपर लोग की डेथ हो चुकी है, इसलिए इसे पैंडेमिक घोषित किया गया है। जो पॉइंट आता है कि इसके लक्षण क्या क्या है कोरोना वायरस के, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसके 3 लक्षण बताए गए हैं। सबसे पहला जो लक्षण है फीवर आना, आपको बुखार आ जाता है। सेकेंड चीज जो आता है ड्राई कफ, सूखी खांसी आपको आता है। थर्ड चीज जो होता है आपके सांस लेने में आपको दिक्कत आने लगती है। ये 3 लक्षण है आपके कोरोना वायरस के। अब हमको लक्षण पता चल गया, जो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ये कैसे फैलता है, ये कैसे फैलता है। ये 3 पार्ट हमारा जो बॉडी का है उसके थ्रू फैलता है। सबसे पहला जो पार्ट हमारा माउथ है, सेकेंड पार्ट आपका नोज होता है, थर्ड पार्ट आपका हैंड होता है। ये 3 पार्ट से ये सिस्टम फैलता है, ये वायरस फैलता है। अब मान लो कि आपको खांसी हो रहा है, राइट, खांसी हो रही है, जब खांसते हो तो आपके मुंह से एक बारीक कण निकलता है जो हवा के थ्रू दूसरे पर्सन को अंदर चला जाता है और उसके अंदर जब चला जाता है तो संक्रमित हो जाता है। जब आप छींकते हैं तो वो भी हवा के थ्रू दूसरे पर्सन के अंदर चला जाता है और वो भी संक्रमित हो जाता है। और जब आप हैंड से करते हैं तब भी वो इफेक्टेड हो जाता है। मान लो आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, अपने हैंड से इस तरह को आप सोच लेते हैं और उसके बाद दूसरे पर्सन से जब हैंड मैच करते हैं तो उसके अंदर वो भी अपना नाक मुंह टच करता है और उसके अंदर वो ड्रॉपलेट अंदर चला जाता है और वो संक्रमित हो जाता है। ये संक्रमित ये इस तरफ फैलता है। आप भीड़ में कहीं जा रहे और वहां पे आपने क्या किया, खांस दिया और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो फैल गया। उनका आप कहीं भी जा रहे फेंक दिए और आपने थूक को कहीं भी आप जाके स्प्लिट कर दिए, फेंक दिए, उसे क्या वो फैलता चल, मेरा फैल गया, जो लोग वहां पे हैं वो अफेक्टेड हो जाएंगे।
अब इस चीज हमको पता चल गई है ऐसे फैल रहा है, अब इसको प्रिकॉशन कैसे करना है, इसको बचाना कैसे है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब इससे बचा कैसे जाए, इसको फैलने से कैसे रोका जाए। अगर आप खांसते हैं या छींकते हैं तो आपको मास्क यूज करना चाहिए, क्योंकि मास्क के अंदर बाहर ड्रॉपलेट नहीं जाएगा और कोई अनदर पर्सन अफेक्टेड नहीं होंगे। आपको कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहना है, आपको बाहर घूमने गैदरिंग घूमने से बचना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, आपको अगर आप खांस रहे हो छींक रहे हो तो टिश्यू पेपर का आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो अपना बाजू का इस्तेमाल पोंछने में कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि आप टिश्यू पेपर को रेगुलर मत यूज करो, आप नए टिश्यू पेपर का यूज करो जिससे कि आप इफेक्टेड ना हो। और किसी जगह आप ऐसे जगह नहीं थूके जहां पर लोग कि समाज में भीड़ में आप थूक दिए और उससे क्या हो, वहाँ पे लोग इफेक्टेड हो जाएंगे क्योंकि आप संक्रमित हो। इस चीज़ से हमको थोड़ा थोड़ा सावधानी से बचाना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि आपको अपने मुंह और हाथ पे हर हमेशा हाथ फेरने से बचना चाहिए। आपको 20 सेकेंड तक साबुन से हैंड वॉश अच्छे से करना चाहिए। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें, आप अगर कोई बीमार है, कोई संक्रमित लग रहा है, किसी को खांसी हो रहा है, उससे आपको डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो आता है, आपको हैंड शेक करने से बचना चाहिए, आपको भीड़ भाड़ जगहों में जाने से बचना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके थ्रू आप कोरोना वायरस को हरा दोगे आप, और कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त कर लोगे। आप तो बचोगे साथ साथ लोगों को भी बचाओगे। ये वीडियो को आग की तरफ फैला दो। बस जाते जाते कहना चाहूंगा, स्टे अलर्ट, स्टे अवेयर, stay prepared. Thank you. All the best.